सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, माय सेल्फ आदित्य प्रताप सिंह एंड वी आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल आदित्य कॉमर्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के माइंड में बहुत सारे क्वेरीज हैं कि आखिर एडमिशन 2021 कैसे होगा, सीयूसीटी के थ्रू होगा या फिर सेपरेटली जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना अलग लेंगे, यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना अलग लेगा, बीएचयू क्या लेगा, डीयू क्या लेगा, अदर्स क्या लेंगे। बहुत ही खास वीडियो है, रिसेंट जीओ को लेके बात करेंगे आपसे, एडमिशन 2021 को लेके आखिर क्या कुछ होने वाला है। इस बार बहुत कुछ खास निकल के आया, किसी ने मना कर दिया तो किसी ने तैयारी कर लिया मेरिट पे। जी हाँ, जानेंगे पूरे वीडियो को, पूरे वीडियो को इन तक जरूर देख लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग योर प्रीसियस टाइम। ओके माय डियर, सो पहले हम बात करते हैं आपसे एडमिशन 2021 को लेके। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि पहले कहा गया था कि सीयूसीटी इस बार होगा, इससे पहले भी सीयूसीटी पहली बार तो होता था, लेकिन लास्ट ईयर कहा गया कि इस बार से, इस ईयर से, इस टाइम से जब आप लोग आ रहे हो, इस बार से सिर्फ और सिर्फ सीयूसीटी होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंडेटरी के हर यूनिवर्सिटीज को फॉलो करना ही पड़ेगा, अगर कोई यूनिवर्सिटी चाहे तो इसके अंदर में आ सकती है। अदरवाइज जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो इसके अंदर आएंगी, ऐसा कहा गया था लास्ट ईयर। ओके फ्रेंड्स, तो फिर बात यहाँ पे निकल के आती है कि आपने देखा कोविड, जब इस समय डिसीजन ये मेड किया गया था उस समय कोविड का वेव टू नहीं आया था, एंड नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि वेव टू आएगा, बट वेव टू आ गया बिकॉज ऑफ दैट, जिसके वजह से सोचना पड़ा सभी को कि क्या किया जाए, अलग किया जाए या एक साथ किया जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत ही क्लियर आपको बात बता देता हूँ आपकी कि अभी रिसेंट जो अपडेट्स निकल के उसके हिसाब से जो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी है, ठीक है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द मैरिट बेस्ड, या दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द मैरिट बेस्ड एडमिशन, यानी कि वो तैयारी कर रहे हैं कि एडमिशन मैरिट बेस्ड लेने की। किसकी तैयारी कर रहे हैं? एडमिशन मैरिट बेस्ड लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि मैरिट बेस्ड एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमेशा होता है। जी हाँ, यानी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स देखेंगे, आप उससे पहले चेक करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी को, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने यहाँ पे एडमिशन मैरिट बेस्ड पे ही लेते हैं। सो अभी तक अपडेट करके कुछ ऐसा आ रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिपेयर कर रहे हैं मैरिट बेस्ड पे, एंड एज यू ऑल नो रिसेंट टू डेज अगो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी मीटिंग किया था, एंड उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो क्लास 12 का एग्जामिनेशन नहीं होगा। उसके बाद से तो ये चीजें और भी बढ़ गई हैं कि वो मैरिट बेस्ड चलेंगे, बट नॉट राइट नाउ, वो इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं वेट करना, चाहते हैं वो देखना कि आखिर किस बेसिस पे क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स को मार्क्स दिया जाएगा। खैर, अभी अपडेट ये निकल के आ रही है कि मैरिट बेस्ड पे तैयारी कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत ही क्लियर बात समझिएगा, जो सीयूसीटी की जो आप समझिए जो मीटिंग्स होती हैं या फिर जो सीयूसीटी के अंदर में जो मेंबर्स हैं ना, इसको लेके उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी आते हैं। जी हाँ, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वहां के जो डिपार्टमेंट जो हेड है वो उसके अंदर आते हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुछ ऐसा लग रहा है कि वो शायद नहीं करेंगे इस बार, वो वैसा ही करेंगे जैसा वो करते थे। चलिए, तो बात थोड़ा सा समझ में आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। माय डियर फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपके ध्यान देना चाहता हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू को लेकर। मैं आऊँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पहले मैं आता हूँ पहले बीएचयू पे फिर से एक बार। माय डियर फ्रेंड्स, बीएचयू की बात समझिएगा, बीएचयू की अगर मैं आपसे बात करूँ, सो बीएचयू भी तैयारी कर रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाए, इट मीन्स वॉट दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, इट मीन्स वॉट कि बीएचयू भी, अगर बीएचयू को आप देखेंगे ना, मैंने जो देखा इस वीडियो को शुरू करने से पहले, आपने देखा होगा आपके इस YouTube चैनल आदित्य कॉमर्स पर रेगुलर आपको अपडेट्स मिलती है फ्रॉम द डे वन, जब तक आप लोग मालूम भी नहीं था, यानी इस ईयर के स्टार्टिंग में बात करूं आपसे, हमेशा आपके चैनल आप जाके चेकआउट करेंगे तो आपका चैनल आदित्य कॉमर्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अपडेट्स पिछले थ्री टू फोर ईयर से दे रहा है, हर बार देता है, इन तक देता है जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा ना। इस बार देखिए, मैं इस वीडियो को मैं थोड़ा सा आपसे एक बात एक प्रॉमिस करता हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा ना, तब तक कोई चैनल आपको साथ देगा तो वो चैनल आदित्य कॉमर्स, माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इस ईयर भी जैसा हमेशा मदद करता हूं, तो इस बार हमेशा किया जाएगा, लास्ट डे तक आपके चैनल साथ देगा तो आपका चैनल आदित्य कॉमर्स।
तो इस वीडियो को मैं अपडेट में देता हूं, बट इस वीडियो को स्पेशली इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत कुछ देखा, मैंने बहुत कुछ पता करना चाहा इलाहाबाद रियल एस्टेट बेचू के बारे में। जब मैं बेचू का बहुत कुछ पता कर रहा था तो मुझे देखने को मिला, मुझे सुनने को मिला, मुझे समझने को मिला कि बीएचयू भी तैयारी कर रहे हैं कि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन करवाएं जैसा वो करवाते हैं। यानी कि लग रहा है अब अगर 100 में से मुझसे परसेंटेज पूछेंगे ना तो मैं कहूंगा 70%+ चांस अब बन रहा है कि बीएचयू अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाएंगे एज जैसे वो पहले करवाते हैं। जी हाँ, हालांकि 20-30% अभी भी उम्मीदें हैं कि स्वीप सिटी के अंदर मैं करवा लेंगे, बट थोड़ा सा चांसेस बहुत ही कम हो गया है। ठीक है, मैं आता हूं इलाहाबाद प्रश्न, उससे आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका कोई भी यूनिवर्सिटी आप जो चाहते हो पहुंचना, आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने का जो साथ देकर चैनल आपके चैनल फ्रेंड्स अलिटो कॉमर्स, ठीक है, यहाँ पे क्लासेस दी जा रही है, यहाँ पे आपकी क्लासेस है, जिन क्लासेस के थ्रू ना आप अपनी प्रिपरेशन को वेल कर सकते हैं। जी हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा थोड़ा चाहता हूँ कि जो अपने चैनल कॉमर्स है यहाँ पे क्लास दी जा रही है, बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस है एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके ना इन क्लासेस के बारे में और भी इंक्वायरी कर सकते हैं, आप और भी इंक्वायरी कर सकते हैं, आप इस पे व्हाट्सएप करके पता करते हैं। फ्रेंड फ्रेंड, आपसे मैं बात करता हूँ आपसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, क्या कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की क्या कुछ है। फ्रेंड्स, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की खुल चुका है, जी हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चीजें तेज होना स्टार्ट हो चुकी है। तेज होने का मतलब क्या, तेज होने का मतलब यह कि जो चीज रुका था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो अब स्टार्ट हो चुका है। और समझिएगा मेरी बात को, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरिट की तैयारी कर रहे हैं, अगर बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को करवाने जा सकते हैं। अगर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर आपसे मैं बात करूं, क्योंकि मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही हूं, प्रीवियस लास्ट 7 ईयर्स मैंने दिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, हर एक चीज से मैं रूबरू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। मैं अगर बात करूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो यहां का अगर आपसे मैं बात करूं 100 में से 80% मैं कहूंगा कि ये जाएंगे इंटरनल एग्जामिनेशन में, 20% मांग के चलिए अप्रॉक्स में चांसेस इनका सीयूसीटी में आने का। हालांकि अभी तक कोई अपडेट फाइनलाइज नहीं किया ना एयू ने, एयू क्या चाहते हैं, ना ही फाइनलाइज किया बीएचयू में, ना ही फाइनलाइज किया डीयू ने, और ना ही जो ये बैठा है सीयूसीटी, ना इन्होंने कुछ किया, इन्हें भी कुछ करना चाहिए, इन्होंने भी कोई अपडेट तक दिया नहीं। फ्रेंड, आप निश्चिंत रहिएगा, आप परेशान मत होइए, बट हाँ एक बात मैं बहुत ही क्लियर कर देता हूं कि देखिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने का चांस बढ़ चुका है। जी हाँ, अलग अलग करवाने की जो उम्मीदें है ना अब बढ़ चुकी है इस बार, और देखेंगे चीजों को समझेंगे ना तो इस बार ऐसा ही लग रहा है, इस बार सीयूसीटी का हो पाना ऑलरेडी होता तो हमेशा है, लेकिन इस बार सीयूसीटी के अंदर इन यूनिवर्सिटीज का आने की चांसेस बहुत कम हो चुका है। यानी कि अगर देखा जाए, इन शॉर्ट में कहूं तो पूरा इन शॉर्ट में आपका मैं कहूं यही कहूंगा मैं आपसे कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसी यूनिवर्सिटीज लेती थी, जैसा मेरिट पर निकालती थी, वैसा ही इस बार करने वाली हैं, ऐसा उम्मीद, ऐसी चीजें सामने निकल के आ रही है। बट आप प्रॉब्लम में बताइएगा, आप परेशान मत होइएगा, जो भी कुछ होगा ना आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा जो भी कुछ होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है ना। और एक बात बहुत ही मैं क्लियर कर देता हूँ आप सभी को यहाँ पे लेके, कि जो यूनिवर्सिटी है ना, यानी कि जो आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अगर मैं आपसे बात करूं, तो अभी देखिए ये तो ओपन हो चुके हैं, और आप देखेंगे जो वेरियस कोर्सेज की जो चीजें है ना वह भी बहुत यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। खैर, उसके बारे में अलग से बताऊंगा आपको क्या कुछ होने वाला, कुछ इस बार खास, कुछ इस बार नया हो रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। ओके, सो होप सो आपको समझ में आया कि क्या कुछ है एडमिशन को लेके, डिसीजन भी बहुत जल्दी आएंगे क्या कुछ होगा, बट उम्मीद रख के चलिएगा कि इस बार इंटर एग्जामिनेशन ही होगा, सीटिंग के अंदर में होने के चांसेस बहुत 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 कम है इस बार। फ्रेंड्स, एक बार ध्यान रखिएगा, ये करवाएं चाहे ये करवाएं आपको मैटर नहीं करना चाहिए, मैटर क्या करना है आपको, मैटर करता है इंटरेंस एग्जामिनेशन, ये करवाएंगे तो भी इंटरेंस एग्जामिनेशन होगा, ये करवाएं अपना अलग, ये करें अपना अलग, या कोई व्यवस्थी करवाए अपनी अपने अलग अलग, ये इंटरेंस एग्जामिनेशन करवाएंगे। और जब इंटर एग्जामिनेशन करवाएंगे तो जरूरी है कि आप इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करिए, ये मत सोचिए कि कौन करवाएगा क्या करवाएगा, वो आपको अभी नहीं सोचना है फ्रेंड, वो सोचने के मैं हूं आपके लिए, मत सोचिए अभी, सोचना क्या है तैयारी करना, इंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करना, ये सोचना आपको अभी फ्रेंड। ओके, इज इट क्लियर? सो आप परेशान मत होइएगा, खैर यही लगता है कि जैसा होता है वैसा ही होगा, अलग अलग ही होगा,
आप परेशान मत होइएगा, ठीक है फ्रेंड। मैं बहुत ही लास्ट में वीडियो फिर से बात आपको रिपीट कर देता हूँ इन बातों को। अगर आप इंटरन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं इंटरन एग्जाम को क्रैक करना, क्लासेस दी जा रही हैं, मतलब कंप्लीट सभी यूजी की कोर्सेस, सभी पीजी कोर्सेस क्लासेस है, यानी बीए बीएससी बीकॉम आपका कोर्स है, आप यूजी का पीजी का आपका लॉ हो, जो भी आपका कोर्स है, क्लासेस सभी के दी जा रही है, बेस्ट फैकल्टी तैयारी करवा रही है आप लोगों को। इफ यू वांट टू स्टडी आप यहां पे व्हाट्सएप करके इन क्लासेस में और भी इंक्वायरी कर सकते हैं। 1000+ सेक्शन आपको चैनल दे चुका सो फार, एंड दिस टाइम ये और भी बेहतर होगा बिकॉज इस बार चाहिए और भी सिस्टमेटिक तरीके से और भी अलग तरीके से बार है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपके पास पहुंचते हैं इसके अंदर में, क्लासेस के अंदर में, जहां पे रिक्वायर्ड वहां पे पीडीएफ दिया जाता है, जहां पे रिक्वायर्ड वहां पे आपसे टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाया जाता है, जहां पे जो रिक्वायर्ड होता है वो आप लोग किया जाता है, जैसे आप इंटरेस्ट को क्रैक कर पाए। स्पेशली वीडियोस जो क्लासेस हैं, स्पेशली जो क्लासेस हैं वो एयू के इंटरेस्ट को क्रैक करने के लिए, बट आप इन क्लासेस के थ्रू आप आइडिया ले सकते हैं इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के प्रिपरेशन करने। जी हाँ, जहां पर लोगों को आपको बताया जाएगी कि आप बड़ा परेशान मत होइएगा, आप इस पे इंक्वायरी करके क्लास में और भी डिटेल पता कर सकते हैं। होप तो आपको वीडियो समझ में आया कि एडमिशन 2021 का क्या सो फार कहानियां चल रही हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर।